सेकेंड फेज है इसका, एक्टिव फेज। तो ये लेटेंट फेज था। एक्टिव फेज, एक्टिव फेज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिसेंट फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिसेंट होता है देवी। इसको हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपल्सिव फेज, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपल्सिव फेज। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, डिसेंट होता है फीटस 2 सेंटीमीटर बिलो टू द वेजिनल कैनाल, बिलो टू द वेजिनल आउटलेट, 2 सेंटीमीटर बिलो टू द वेजिनल आउटलेट। तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिर स्टार्ट क्राउनिंग, यानी कि बेबी का जो हेड है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, प्रेशर एग्जर्ट होगा बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट ओवर द सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स पे प्रेशर एग्जर्ट होगा बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट, उसको वहां पे क्या हो जाएगा, इट कॉजेस इनवॉलंटरी यूट्राइन कंट्रैक्शंस, इनवॉलंटरी यूट्राइन कंट्रैक्शंस। उसकी वजह से जब प्रेशर एग्जर्ट होगा ओवर द सर्विक्स कॉजिंग इनवॉलंटरी यूट्राइन कंट्रैक्शंस, हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम फर्गसन्स रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, यानी कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट की वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो गया ओवर द सर्विक्स, सर्विक्स पे, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, इनवॉलंटरी यूट्राइन कंट्रैक्शंस, वहां पे इनवॉलंटरी यूट्राइन कंट्रैक्शंस हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं फर्गसन्स रिफ्लेक्स। क्या लिखेंगे फिर फर्गसन रिफ्लेक्स में, फर्गसन रिफ्लेक्स, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट ओवर द सर्विक्स कॉजिंग इनवॉलंटरी यूट्राइन कंट्रैक्शंस, मीन्स प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि प्रेशर जो एग्जर्ट होता है प्रेजेंटिंग पार्ट की वजह से बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट ओवर द सर्विक्स causes involuntary uterine contractions, तो इसको हम बोलते हैं फर्गसन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले स्टेज में जो मदर होती है उसको अर्ज होती है टू बियरिंग डाउन, जो मैटरनल बियरिंग डाउन हम उसको बोलते हैं, क्या यहाँ पे क्या जो मदर जो है उसको अर्ज होती है पुश करने के लिए, मतलब हम बोलेंगे इट स्टार्ट्स विद मैटरनल बियरिंग डाउन एंड एंड्स विद डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जब मदर पुशिंग यानी कि बियरिंग डाउन के लिए अर्ज उसको फील करेगी, मदर क्या करेगी, मदर पुश करेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी डिलीवर हो जाएगा, यानी कि बेबी एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो ये था एक्टिव। तो इसमें हम क्या देखेंगे, यानी कि फीटल हेड इज लो, मीन्स वो विजिबल है, फीटल हेड वो अब विजिबल होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या क्राउनिंग भी स्टार्ट होगी, फीटल हेड विजिबल होगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस ऑल दैट, ये क्यों होती, मैंने इसे पहले भी पढ़ाया, देयर इज अ रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिंस। ये वे कहां से रिलीज होते हैं, ये होते हैं रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, विच प्रमोट स्ट्रॉन्गर, ये क्या करता है फिर, ये प्रमोट करता है
विच प्रमोट्स स्ट्रॉन्गर एक्सपल्सिव यूट्राइन कंट्रैक्शंस। तो यहां पे क्या होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड विच प्रमोट स्ट्रॉन्गर एक्सपल्सिव यूट्राइन कंट्रैक्शन। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस हैं ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो ये था एक्टिव फेज। उसके बाद है थर्ड जो है वो है ट्रांजिशन फेज। थर्ड जो है इसका वो है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज उसको हम बोल सकते हैं कंपल्सिव फेज। थर्ड जो है वो है ट्रांजिशन फेज कंपल्सिव फेज। तो यहां पे क्या हो जाता है, बर्थ ऑफ द बेबी फ्रॉम द वेजिनल कैनाल टिल एक्सटेंशन। तो यहां पे बर्थ ऑफ द बेबी होता है, ये ट्रांजिशन है। जैसे फर्स्ट स्टेज में ट्रांजिशन फेज है, लाइक फर्स्ट है लेटेंट, वो 3 to 4 centimeters डायलेट होता है। सेकेंड है एक्टिव फेज, वो 4 to 10 centimeters डायलेशन है। और ट्रांजिशन फेज जैसे वहां पे है 10 centimeters जब कंप्लीट हुआ तो फिर वहां से सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है, तो वो है ट्रांजिशन। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, बेबी बर्थ होता है, बेबी बॉर्न होता है। तो ये था, ये थे स्टेजेस, ये थे फेजेस ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो इंशाल्लाह आज का, आज के लिए इतना ही। सो इंशाल्लाह टुमारो हम पढ़ेंगे, तो कल हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ेंगे और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी पढ़ेंगे एंड इवेंट्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।